बच्चे को तो बेनिफिट होते हैं, साथ में माँ को भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट। कुदरत ने ऐसा बनाया सिस्टम कि मदर जो है वो उसको ज़्यादा बेनिफिट होते हैं दूध पिलाने से। तो उसके उसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं कि मदर जो अभी उसकी डिलीवरी हुई है, चाहे ऑपरेशन से, चाहे नॉर्मल डिलीवरी, चाहे फोर्सेप्स से, चाहे इंडक्शन से, तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो उसका प्रेगनेंसी में 12 से 15 किलो वजन बढ़ जाता है, वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो 6 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा वेट प्री प्रेग्नेंट लेवल का रिगेन हो जाता है। मतलब 12-15 किलो वजन पूरा उसका कम हो जाता है अगर वो बच्चे को अपना दूध पिलाती है, और साथ में बहुत अच्छी इसको नींद आती है। अब अच्छा, आपने देखा कि जब बच्चा दूध पीता है तो कैसा बेहोश हो जाता है, आप लोग उठाए कुछ भी करें तो उठते ही नहीं, ये आपने ऑब्जर्व किया? ऐसे ही माँ के साथ होता है, जब माँ बच्चे को दूध पिला लेती है तो उसको एक सेंस आता है कि मुझे बहुत थकावट हो रही है, चक्कर आ रहा है, मुझे नींद लग रही है, मुझे सुस्ती आ रही है। एंड व्हेन शी टेक्स अ गुड स्लीप देन अगेन उसके पास बच्चे को नेक्स्ट फीड करने के लिए फिर से पूरी तैयारी हो जाती है, और वो बहुत बिंदास होकर के जैसे बच्चा सोता है ऐसे माँ सोती है, और वो स्लीप ही उसके मेंटल कंफर्टेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स में ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया था कि आजकल बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं, आजकल बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के, अभी पहले ब्रेस्ट कैंसर नंबर 3 था जब हम पढ़ते थे, उसके बाद मिडवे में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 हुआ और आज ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। तो ब्रेस्ट कैंसर इतना बढ़ गया है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज्ञान देना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ओवेरियन कैंसर, ओवरी में भी कैंसर हो जाता है, डायबिटीज होने का चांस होता है मदर को, और साथ में जो लो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उसका यूट्रस इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब यूट्रस का साइज नॉर्मल आना फास्ट चालू होता है, ब्लीडिंग की मात्रा कम हो जाती है, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर जो भी रिटेन प्रोडक्ट्स और ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो बहुत आसानी से बिना दवा के निकल जाते हैं और पेशेंट बहुत फास्ट रिकवर करती है। नेक्स्ट है, अगर जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक वो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है, उसको प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हर मदर को एडवाइस हम लोग को करना है कि जितने ज़्यादा दिन दूध पिलाएं उतना अच्छा रहेगा।